प्रथम तहलका न्यूज। आमतौर पर सड़कें किसी भी गांव या कस्बे के लिए विकास की राह मानी जाती है, लेकिन क्या हो अगर विकास की इसी राह में कंकड़ और पत्थरों से सामना होता रहे। जाहिर सी बात है कि सफर सुहाना नहीं रहेगा। झज्जर शहर की ये खस्ता हाल सड़कें भी ऐसी ही एक कहानी बयां करती है। ये सड़क इन दिनों वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भाई देख करके कैरा में कटला है क्या, दो दो जोड़ा पलटी करवा लिया हमने तो भाई, गाड़िया गरीब भी कटला गया जी। तो डेली आना जाना होता है? डेली अप डाउन ही ऐसे करते हैं भाई। अच्छा, कहाँ से हो आप? खेड़ी कुमार से। कितने दिन हो गए इसको रोड को टूटे? रोड ने तो जी कम तक नहीं, दो महीने तो नहीं जी, छह महीने से ऊपर हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम आपका? अपना सुरेंद्र जी। आपको बता दें कि आज से कई समय पहले और कई साल पहले इन सड़कों को निर्माण के लिए उखाड़ा तो गया था, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से इसका निर्माण ना हुआ और ना ही किसी ने इसकी सुध ली। प्रशासन शायद चैन की नींद सो रहा होगा, वरना ये सड़क अब तक बन चुकी होती। इन खस्ता हाल सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक शासन और प्रशासन को कोसते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या दिक्कत हुई है जी? गाड़ी में मेंटेनेंस भी बैठ जाए, इतना आता ना टाइम निकलता ना और कुछ निकलता, बहुत परेशान हो रखे हैं जी इनसे। आप यहाँ से डेली आते? हाँ, लगभग डेली आते हैं। आगे कितना टाइम हो गया इसको? इसको काफी टाइम हो लिया, हमने तो 4-5 साल हो लिया इसको ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन सा रोड बोलते हैं इसको? इसको बाईपास बोलते हैं, बहादुरगढ़ का बाईपास। जज्जर में कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, जज्जर के पास में गाँव है। इस खस्ता हाल सड़क की बात की जाए तो शहर के बेरी गेट से लेकर छारा चुंगी तक की सड़क को बनाने के लिए उखाड़ा गया था, लेकिन अफसोस कि ये काम सिरे नहीं लग पाया। लगता है कि इन सड़कों की मुरम्मत अब तो तभी होगी जब चुनाव होंगे, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि शासन और प्रशासन को चुनाव के वक्त ही विकास के काम याद आते हैं। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।